भाई ये बंदा घोष अपनी किसिस कर रहा हमारा ताकि मछली में फंसे नहीं यार, ये गोटियाँ जो फंसानी है ना वो क्या हुआ पे यार शायद नहीं, एक मिनट रुक जा यार लग गए हाथ पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर डेली व्लॉग। आज हफ्ते का दिन है और वीकेंड आते ही मेरे घर का काम शुरू हो गया भाई। अम्मी ने भी फौरन बोला मुझे कि तुम जाओ और कीमा पिसवा के लाओ, गोश्त रखा हुआ काफी टाइम से और मैं जान नहीं रहा था, मैं टाले जा रहा था, तो मैंने वो काम भी बोल दिया आज। तो आज हफ्ते का दिन है तो भाई आज तो अब किसी भी सूरत में नहीं टाल सकता, ये काम आ गया। दूसरा काम यह आ गया भाई गाड़ी की, मुझे हेडलाइट भी सही करवानी है क्योंकि रात के वक्त में ड्राइव करते हैं बहुत इशू हो रहा है। वैसे तो विंडस्क्रीन का भी मसला है कि उसकी पॉलिश करवानी है, स्क्रैचेस बहुत हो रहे हैं, वो तो काम मैं बाद में करवाऊंगा और तुम लोगों को दिखाऊंगा अभी। लेकिन अभी इसकी हेडलाइट्स का इशू हो रहा है तो वो भी सही करवाना है। तो भाई दोनों काम मेरे लिए रेडी पड़े हुए हैं, तो बस अभी दोनों काम हम जो करवाते हैं, चलते हैं बाहर, मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा है तो बाहर चलते हैं और दोनों काम करवा के आते हैं। यार बारिश ने भी सही सीन किया हुआ है, गाड़ी जितनी भी साफ कर लो जितना भी कर लो आपका जो है ना वो गाड़ी गंदी ही रहती है। तो कोशिश मेरी यही होती है यार कि एक घर कोश नीचे रख लूँ भाई, कोश पीछे रख लें पहले। तो भाई कोशिश मेरी यही होती है कि मैं गाड़ी को जो है ना वो साफ ही रखूं, लेकिन बारिश का मौसम ऐसा हो रहा है। बल्कि नहीं, एक काम करते हैं गोश यहाँ नहीं रखते, गोश को रखते हैं यार अंदर करके ना, थोड़ा सा ये गोश है ऐसा ना हो कि गाड़ी की कारपेट ख़राब हो जाए, तो उसको रखते हैं यहाँ पे और पीछे वाला गेट बंद कर देते हैं। तो भाई कोशिश मेरी यही होती है यार कि गाड़ी को साफ़ सुथरा ही रखूं मैं, लेकिन अब तुम लोगों को पता है भाई कि मौसम जो है वो इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। क्या करें भाई, जब सोचता हूँ सर्विस स्टेशन पे ले जाऊं गाड़ी तो हमारी गाड़ी जो वो बारिश हो जाती है और फिर गाड़ी फिर गंदी है। तो खैर अभी तो मुझे जाना है भाई कीमा पिसवाने के लिए, तो कीमा पिसवा के लाते हैं, फिर मुझे हेडलाइट भी चेक करवानी है काफ़ी टाइम से, वो भी चीज़ मेरी पेंडिंग चल रही है। कोशिश करता हूँ आज दोनों काम निपटा दूँ मैं और फिर उसके बाद जो है एटलीस्ट रात में अगर मुझे निकलना हो तो भाई हेडलाइट्स तो एटलीस्ट प्रॉपर वर्क कर रही हूँ और गाड़ी भी जितने हद तक हो सके उतनी साफ रहे। चलो फिर दोनों काम निपटा के आते हैं और फिर तुम लोगों से मैं बात करता हूँ। यार बच्चे अभी क्रिकेट खेल रहे थे और मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया हूँ देखने के लिए कि बचपन की यादें थोड़ी ताज़ा हो गई। हम लोग भी जो है अक्सर ट्यूशन से आके जो है क्रिकेट खेला करते थे मगरिब से पहले, और हमारे 1.5 से 2 घंटे कुछ ऐसे होते थे यार कि बस क्रिकेट खेलना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब खैर बड़े हो गए हैं भाई और अब ये जिम्मेदारियाँ कि वो घर के काम और दूसरे मामला जो होते हैं, जॉब वगैरह जो होती है वो सब भी होता है, तो उसमें बिजी हो गए। तो बस अब ये होता है कि मैं जब भी अक्सर कोई क्रिकेट खेल रहा होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं, तो मैं रुक के थोड़ी देर के लिए वो बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं और फिर जो है अपने कामों में वापस मसरूफ हो जाते हैं। खैर अब ये भी लाइफ का हिस्सा है, इसको भी देखना है क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? बंदा सलाम का जवाब ही देता था, खामोश बंदे। नहीं नहीं, कौन किसी वीडियो बना रहा हूँ यार, क्या हो गया यार शकर भाई तुम्हें? कीमा लाया पिसवाने के लिए, बताओ कितना किलो है ये? लेकिन लाइट तो आ नहीं रही। अरे अभी मैं पावर आउट जा रहा हूँ खुलवाने। बड़ा हरामी हो बेटा, तो हमारे कीमे के लिए इतना आगे चले जाओगे? पैसे फिर भी कमी दूंगा मैं। जितने भी लाया सारे दे दिए। चाबी देके जाऊंगा, टेंशन नहीं लो, बस गाड़ी तो अच्छा है ना, बस हम भी वेट कर रहे हैं। हमने बोला कि अभी दो बना के हमें, ये बताओ है कितना किलो? 4 किलो। 4 किलो है, पैसे कितने हुए? 400। इधर देख के बोलना जरा, इधर इधर पीछे इधर देख के बोलो। 400 रुपए बस, उसको मुझे ना 2 जीरो हटा दो, मैं 4 रुपए दे देता हूँ, सही है? और बोलो, चलिए डालो यार मोहब्बत में। और जीरो मिला दे तो 4,000 हो जाए। यार तुम, यार तुमने छोटी बात कर दी, ये लो ये रखो, ये लो चाबी, तुम चाबी रखो, चाबी गाड़ी की चाबी दे दो मुझे, गाड़ी चाबी दे दो, बाकी रख लो तुम। नहीं नहीं, तुम ये रख लो, तू मेरी गाड़ी ये रख लो, सारी चाबियां दे, 10,000 दे। नहीं नहीं, इतना नहीं हो रहा भाई, ऐसा नहीं हो रहा है। टाइम 7:45 हो रहा है और 5 मिनट में लाइट आने वाली है और बिल्कुल अंधेरा हो रहा है अंदर। तो जैसे लाइट आती है फिर कीमा पिसवाते हैं और इनसे थोड़ी सी और बदमाशी कर लेंगे, थोड़ी सी इसका भी इनकी बदमाशी चलती रहेंगी, पैसे उनको कम ही देंगे, वो टेंशन वाली बात नहीं है। कल लाइट आती है कीमा पिसवाते हैं इनसे। One eternity later. और भाई लाइट आ चुकी है शुक्र अल्लाह का भाई, और बस बंदे ने हमारा ये गोश्त निकाल लिया है यहाँ पर और अब उसकी वो गोटियाँ बना रहे हैं, उसका कीमा बनवाते हैं और फिर उसके बाद गाड़ी की हेडलाइट सही करवाते हैं और फिर घर चलते हैं। भाई बंदा भी ये किसी और गोश्त निकाल रहा है और हमारे गोश्त का ये पीसेस बनाएगा
और फिर उसके बाद हमारा नंबर लगेगा, फिर हम तुम्हें दिखाऊंगा भाई गोश्त किस तरीके से बन रहा है सारा। भाई बंदा गोश्त पीसेस कर रहा हमारा ताकि मछली में फंसे नहीं यार, ये गोटियाँ जो पता नहीं ना भाई क्या हुआ पे यार, शायद नहीं एक मिनट रुक जा यार, लग गए हाथ पे बचा तो वही हाथ की मेरे थोड़ा सा बस ये वो हल्का सा एक क्रॉस टच होके निकल गया, जो नज़र नहीं आ रहा सही से टच होके निकल गया, तुमने जो उंगली उड़ा दी थी मेरी पूरी। मैं भाई इतना तरीके से काम कर ले यार, मेरा ये काम हो जाता पूरा मेरा। खैर बचत हो गई तो उंगली हमारी बच गई, अंदर जो इस तरह का भी इस तरह हाथ नहीं डालना इनको, उनका कोई भरोसा नहीं है, ये उंगली उड़ा देंगे पूरी, ये कोई भरोसा नहीं है भाई। अभी गोश्त हमारा बन चुका है और मशीन ऑन हो गई है और अब सकीमा बन रहा है यार, इसको डबल चला देना ताकि बिल्कुल बारीक हो जाए सही है। काम करते हैं दो चार बोटियाँ उठा के हम भी डालते हैं, वो ये बोटियाँ उठा ली है मैंने और मैं डालने जा रहा हूँ मशीन में। दे दो ये आ गया भाई हमारा हाथ और ये दो चार बोटियाँ हमने डालना शुरू कर दी भाई। तो क्या क्या करना पड़ता तुम लोगों के लिए, तो बस लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल को। मैंने अपने हाथ भी गंदे कर लिए यार, और क्या क्या करूँ तुम लोगों के लिए मैं, तो सब ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फिर आगे बढ़ियों कंटिन्यू करते हैं। तो भाई कीमा पिसवा लिया है ये हमने और मतलब घर चलते हैं। ठीक है भाई अल्लाह हाफिज़, पैसे से नहीं दूंगा मैं, जाऊँ मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई ओके यार अल्लाह हाफिज़। चाबी मेरे पास है, तुम मेरे पास है चाबी? नहीं नहीं मेरे पास है चाबी। ठीक है भाई अल्लाह हाफिज़। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। मेरे पैसे वैसे अपने दिए नहीं है पर गाड़ी में घोष सकते हैं और फिर निकलते हैं। ये हमने कीमा रख दिया है, और ये शक्ल इनकी रोने वाली हो गई है, छोड़ दो पैसे दे देते हैं, वरना ये जो ना अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा वाले साहब को शिकायत चली जाएगी इनकी तरफ से कि पैसे देके नहीं गया तुम्हारा बेटा, चलो यार इनको पैसे दे ही देते हैं। तो भाई कीमा मैंने पिसवा लिया है और मुझे अचानक याद आया था कि मैंने नाश्ते का सामान भी लेना, तो वो भी मैंने ले लिया है, वो सब जो है घर चलते हैं, पहले सामान रखवा दूँ फिर हम आएंगे मैकेनिक के पास और फिर जो है भाई वो हेडलाइट्स भी चेक करवानी है, तो बस अब चलते हैं और फिर सारे काम निपटाते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिशियन हमें यहाँ मिल चुका है और ये हेडलाइट हमारी जो इशू कर रही है थोड़ा सा, इसको भी दिखा लेते हैं। लाइट ऑन करूँ ये तो यार, ये हेडलाइट जो है ना ये वाली जल नहीं रही है और लो अच्छा लो पॉइंट पे दोनों नहीं जल रही हैं। ग्रिप चेंज करना पड़ेगा यार, ये मैं तकरीबन सही बता तीन दफ़ा मैं चेंज करवा चुका हूँ, तीन से चार दफ़ा यार। ये कोई अच्छा वाला डलवाओ, डेढ़ सौ रुपये का ग्रिप है, डेढ़ सौ रुपये का ग्रिप है यार, कोई मुनासिब नहीं हो जाएंगे तो मुनासिब कर ले सामने सरकार है उससे बात कर लो, अगर वो सौ रुपये में देता है डेढ़ सौ में देता है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है भाई? यार हेडलाइट की मुझे चाहिए वो ग्रिप जो होती है, कितने की है? यार अच्छी वाली कौन सी है, मैं तीन दफा चेंज करवा चुका हूँ, हेडलाइट बार बार खराब हो रही है मेरी। दिखाओ ग्रिप दिखाओ, लाइट गई भी है, लाइट गई भी है, लाइट गई हुई है, लाइट इस टाइम चली यार। दिखाओ भाई ये आ गई है हमारी यार, ये देख लो फिर, ये फिर इशू करेगी तो फिर कोई गारंटी वगैरह कुछ गारंटी? गारंटी नहीं होती इंशाल्लाह, इलेक्ट्रिक चीज की गारंटी नहीं होती, लेकिन इंशाल्लाह चलेगी। यार मैं तीन दफा चेंज करवा चुका हूँ तीन महीने में, देख लो। आपने वो चीनी वाला डलवाया होगा, ऑरेंज वाली जो आती है वैसी वाली? हाँ चीनी वाली। अच्छा वो भी तार की बनी हुई है कॉपर में, उसके क्लिप भी अंदर सिल्वर वाले लगे हुए व्हाइट वाले। चलो यार ये सौ रुपए के कुछ मुनासिब नहीं हो जाएंगे इसको? चलो यार इसको निकाल दो, ये भैया ग्रिप आ गई है, करो उसको चेंज। यस मुझे नब्बे रुपए की दिए, तुम डेढ़ सौ बोल लेते। दूसरी वाली भी होती है ना वो तो सत्तर वाली बोला था, ये तो सत्तर वाली है, एक सौ वाली है, मैं सौ वाली नब्बे में ले ली, तो तुम डेढ़ सौ बोले तो देख लो तुम। ये वो दूसरी वाली थी ना, मैं आपको क्या बोला दूसरी है, पहले लगी हुई थी। चलो खैर अब देखते हैं भाई, सही से लगा दे यार ताकि इस परेशानी से जान छूटे। भाई हेडलाइट्स वगैरह काम है हमारा, और मुझे शक था कि हेडलाइट के जो ग्लास है ना
तो ये मिट्टी काफ़ी है, इस वजह से अक्सर नज़र नहीं आता है रात में। हेडलाइट जब रोज चल रही है तो खैर मैंने सब पूछा, बता रहा भाई कि सामने की तरफ है शॉप, फिर अभी चुका टाइम इतना लेट हो चुका है और मैंने पहले ये सोचा था कि पहले मैं घर पर सामान दे दूँ फिर आऊँ, तो मुझे ख्याल आया कि ऐसा ना हो कि भाई इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक चले जाएँ, तो मैंने कार इस तरफ मोड़ ली और अब मैं ये काम करवा रहा हूँ ताकि जो है रात के वक्त है और ये बेहतरीन टाइम है हेडलाइट का काम करवाना, क्योंकि दिन में पता नहीं लगता कि हेडलाइट ऑन हुई है नहीं हुई है, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो रात का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा कि हेडलाइट भी चेक करवा लूँ और फिर ये इस काम को भी प्रॉपर करवा लें ताकि इस काम से भी जान छूटे यार। सही है ना, अच्छा वो देखो वाली लाइट जो है ना वो मुझे लग रहा है शक होता है कई दफा हवा में लाइट मार रही होती है, पर उसको देख लिया यार कि उसका क्या इशू है, इसका लॉक नहीं है पीछे वाला। अच्छा इसी वजह से टेढ़ी जाती है अक्सर, क्या करें इसको फिर? चलो भैया माशा दोनों हेडलाइट्स ऑन हो गई हैं, देख सकते हो भाई सामने फ्रंट से। अभी कितने हो गए? अबे यार ऐसा नहीं कर यार, कुछ तो गुंजाइश निकालो। अगर तो 100 रुपये में बहुत कुछ आ जाता है, कुछ 100 में क्या आता है, मैं 90 रुपये में देखने लेकर आ गया ना ये, उन्हें बोला 100 में क्या आता है, मैं 90 में ग्रिप ले आया। अबे यार ऐसा नहीं कर, कोई गुंजाइश नहीं निकलेगी। 70 रुपये दूँ? 70 रुपये चलो यार भाई, मान गया बंदा हमारा, सही है भाई, सही है, नाराजगी तो नहीं है भाई? चलो भाई 70 रुपये में मान गया, अच्छी बात है भाई, त्रास हो भी जाता तो हमने कौन सा मनाना था, हमने तो काम करवा लिया, चलते हैं भाई जल्दी जल्दी। तो भाई हेडलाइट्स हमारी रिपेयर हो चुकी हैं, अब जो है कार स्टार्ट करते हैं और सारे काम ही हमारे बाहर के हो चुके हैं और बस अब घर चलते हैं जल्दी जल्दी, सारा सामान रखवाते हैं घर पे और फिर तुम लोगों से मैं बात करूँ, चलो फिर निकलते हैं। और भाई हेडलाइट्स बनवाने के बाद यार वाकई ड्राइव में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्यों भाई रात में अगर हेडलाइट्स आपके ऑन नहीं तो आप कैसे ड्राइव करोगे, और मैं पिछले कुछ दिनों से जो है इसी तरह ड्राइव कर रहा था और इसलिए मैं अवॉइड भी कर रहा था कि जितना हद तक पॉसिबल हो मैं रात को बाहर ना निकलूं। खैर अब हेडलाइट्स तो रिपेयर करवा लिए हैं और बस अब घर चलते हैं और कार पार्क करते हैं, सामान ऊपर लेके जाते हैं और फिर सुकून से बैठ के तुम लोगों से बात करूंगा, चलो बस घर निकलते हैं। तिहाई दर्जे का सुस्त आदमी, नीचे आओ नीचे, अंदर आओ अंदर आओ, इसको मैंने 3 दिन से बोला हुआ था कि हेडलाइट रिपेयर कर दो लेकिन तुमने हेडलाइट रिपेयर नहीं करी, देख रहे हो तुम, ये मेरे को नहीं बोला था आपने, तुम्हें मैंने बोला था मैं देखो अभी रिपेयर करवा के आ रहा हूँ, हेडलाइट कितनी गलत बात है ये। यार मैं अभी वीडियो निकाल के दिखा दूंगा, खैर जो भी है मैंने हेडलाइट रिपेयर करवा लिया भाई, लेकिन अब नजर रखा करो चीजों पे, सही है हेडलाइट अब खराब हुई ना तो देख लेना टाइम से, ठीक है, रात में बड़ा मसला होता। चलो भाई सुनने को मैंने बोल दिया भाई कि आइंदा हेडलाइट्स खराब हो तो कम से कम प्रॉपरली टाइम पे देख लेना, ये हमारा जो है भाई ये घर के पास ही है इसकी शॉप और ये मैकेनिक है और अक्सर कार में कुछ भी छोटा मोटा मसला होता है मैं गाड़ी लेके इसी के पास आता हूँ। खैर बस अब गली में आ गए और कार पार्क करते हैं और फिर ऊपर चलते हैं। अभी कार हमारी पार्क हो चुकी है तो बस अभी सामान उठाते हैं, सारा नाश्ते का सामान आ गया और ये हमारा कीमा आ गया, ये सारा सामान उठाते हैं, लॉक्स वगैरह भाई इतना लॉक नहीं है, तो सारी चीज़ हो गई है, बस सामान उठाते हैं ऊपर चलते हैं और फिर उसके बाद मैं तुम लोगों से मुलाकात करता हूँ, सही है भाई। घर से कॉल भी आ चुकी है अब्बू की जस्ट रिसेंटली और वो पूछ रहे थे कि भाई कहाँ रह गए, क्योंकि मैं सिर्फ कीमा पे सोने निकला था, फिर मुझे याद आया कि यार नाश्ता भी लेना है और हेडलाइट का काम भी करवाना है, तो मैंने सोचा सारे काम एक साथ ही करवा लेते हैं, मेरे को बताया कि बस मैं ऑलमोस्ट घर के नीचे ही हूँ, बस ऊपर आए रहूँ, बस चलते हैं ऊपर और वो सारा सामान देते हैं और फिर सुकून से बैठते हैं। तो भाई घर में एंट्री हो गई है हमारी और इस वक्त बज रहे हैं 8:30 और ये अब मेरे जिम जाने का टाइम हो चुका है, तो बस अब जल्दी जल्दी रेडी होते हैं और काफ़ी दिनों से मैं जिम जा नहीं रहा हूँ लेकिन मैं घर में कार्डियो कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों को मैंने दिखाया भाई कि मोटिवेशन जो है अपनी बरकरार रहे और हमारा जो गोल है वो अचीव करना है, तो उसके बीच में कोई गैप ना है, भले मैं जिम ना जाऊँ लेकिन घर में तो कार्डियो लाजमी करना है। खैर मैं अपने अच्छे सारे कामों से फारिग हो चुका हूँ जो बाहर के मेरे काम थे, तो बस अब जिम चलते हैं और आज की जो एक्सरसाइज की रूटीन है हमारी उसको कंप्लीट करते हैं, तो चलो फ्रेश होते हैं और फिर जिम निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके, क्या वो क्लास नहीं हो रही आज? क्लास क्या नहीं हो रही, तुम जिम कब आ रहे हो? हफ्ते में एक दिन एक्सरसाइज करते आ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, देखो प्रॉपर मैं प्रॉपर बता रहा हूँ भाई, मैं कार्डियो घर पे कर रहा था, गैप नहीं दिया है मैंने। कितनी कार्डियो? जो 3 सेट थे हमारे वो कर रहा था मैं, 35-35 सेकंड वाली 7 एक्सरसाइजेस 3 सेट मैंने किए, वीडियो भी पड़ी है मेरे पास, अगले ब्लॉग में देख लेना। कर रहा है आपका भाई, देखो गैप नहीं दे रहा, नहीं नहीं कसम मैं आपको भी अभी रुको, मैं रोक के आपको दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, वीडियो बना के बंद कर दिया, क्या करूँ? नहीं 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 नहीं, पूरी प्रॉपर भाई 20 मिनट की वीडियो है, ऐसा हो नहीं सकता भाई, क्लास ऑफ है सैटरडे ना, कोई मसला नहीं, हम तो कर सकते ना कार्डियो, तो वही शुरू कर दें, अभी कहाँ करूँगा भाई मैं, देखो मैंने अपना गोल बना लिया है, सितंबर एंड तक 4 kg लूज करना है, सितंबर एंड तक 4 kg
हो जाएगा। तो बस ये गोल है मेरा, बहुत कम है। क्या मतलब ज्यादा करूँ? स्टार्ट के लिए चार्ज ज्यादा नहीं है? 5 kg। देख तुझे पता है डाइट का मेरा मसला है, मसला तुम्हारे दिमाग का है। यार देख मैं छोटे छोटे गोल्स बनाता हूँ, छोटी 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 खुशियां हैं मेरी। यार देख मेरी छोटी छोटी खुशियां तो छोटे छोटे मैं गोल्स बनाता हूँ, सही है। तो दो दो महीने वाले गोल्स होते हैं मेरे, 2 महीने वेट कम किया, पहले बकराई था, फार्म हाउस था, उससे पहले फिर शादी भी थी मेरी। छोटे छोटे मेरे गोल्स होते हैं। अभी तो अगला गोल क्या है मेरा, अगला गोल 2 महीने का बनाते हैं, कोई ऐसा इवेंट तो आ नहीं रहा। 85.6 में लेकर आना है सितंबर एंड तक। चलो सर, वैसे मेरी लस्सी वगैरह का बंदी हुई है। बड़ा हरामी हो बेटा। नहीं लेकिन ऑनेस्टली अब मेरी नहीं, कोई गारंटी नहीं। नहीं 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 नहीं, अब पक्का, अब पक्का। देखो अब यहाँ आगे बोलो, मेरा वेट कम नहीं हो रहा। मैं यार मुझे बात बताओ, एक बात बताओ, एक मिनट, महीना में आऊँ या ना आऊँ, आपकी फीस आपको टाइम पे मिलती है नहीं मिलती? फीस चाहिए ही नहीं। क्या चाहिए भाई, पैसे हराम क्यों करूं मैं? जब आप ले जाओ आप। नहीं नहीं नहीं, देखो हराम की बात नहीं, हम आपको खुशी से देते हैं पैसे, ऐसी बात नहीं। नहीं मुझे ऐसी, मुझे बंदा चाहिए, मुझे बंदा चाहिए, मुझे मौत देखनी है। चलो आज तो मौत दिखा देते, सही है फिर आज मौत दिखा देते। क्या करें आज, कार्डियो जो मोबाइल दो अपना, मैं इसमें वो नहीं है, टपाटा नहीं है इस मोबाइल में, टपाटा सेट कर दो उसमें, सेट हुआ हुआ है। चलो बस अब ये भाई हमारा ट्रेनर जो है, ये हमारा ये जालिम ट्रेनर, ये अभी अपनी ऐप खोल के देगा और टाइम सेट करके देगा, और ये टाइम सेट इसने कर दिया है ऑलमोस्ट, क्या कर दिया, हाँ उसे टाइम सेट हो गया। आप कार्डियो शुरू करते हैं अपना, 40 सेकंड उसके बाद 40 कर रहे हो, 35 तो यार 5 kg तो कम करना है। चलो भाई इसने ये टाइम सेट कर दिया है ऐप के अंदर, कार्डियो शुरू करते हैं अपना और फिर एंड में तो दिखाता हूँ मेरी क्या हालत है। चलो फिर शुरू करते हैं। भाई एक साइड मुकम्मल हो चुका है हमारा, और एक साइड में हालत बुरी हो गई जिम आने के बाद। भाई घर पे करना और जिम में करना दो अलग चीज़ें होती हैं, तो बहुत थक गए घर पर, दो साइड और बाकी हैं वो भी करेंगे, फिर तुमको बताऊंगा एंड में क्या हालत हो गई मेरी। और भाई देख लो ये हमारा ये सेट तीनों कंप्लीट हो चुके हैं, तीनों सेट कंप्लीट हो गए हैं, 7 एक्सरसाइजेज वाले, और हमने देखो ये कंप्लीट कर लिया। और माशाल्लाह 3 सेट के बाद अभी देख लो भाई ये हालत हो रही है, बहुत थक गए हो यार। तो अब रेस्ट करते हैं और उसके बाद नीचे चलते हैं, फिर ट्रेनर को उसका मोबाइल देना है, और फिर उसके बाद जो 2-4 एक्सरसाइज वो और बताएगा वो करनी है। कार्डियो के बाद मैं लाजमी करता हूँ मैं, ताकि वेट जो हमारा जल्दी लूज़ हो। तो बस अब थोड़ी रेस्ट करता हूँ ऊपर बैठ के, ताकि सांस जो नॉर्मल हो जाए, पानी पी जाओ, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं और फिर अपना आज का सेशन कम्प्लीट करते हैं। और इसी के साथ भी आज का जिम सेशन हमारा कम्प्लीट हो गया, बस हम घर जा रहे हैं और घर जाके फ्रेश होते हैं और फिर तुम लोगों से मुलाकात करते हैं, फिर चलते हैं। तो भाई घर जाते जाते मुझे नारियल वाला नज़र आ गया, तो मैंने सोचा ज़रा नारियल का पानी भी ले लें बेगम के लिए, तो उनकी क्योंकि उन्होंने फरमाइश की थी कि नारियल पानी लेकर आइएगा। तो ये भाई नज़र आ गए, हमने सोचा भाई इसे नारियल पानी भी ले लें, जरा भाई देख लेंगे टेक्निक। ये पहले नारियल छील रहे हैं और उसमें पानी निकलेगा, वो हमारा ये इनका है ना भाई, पानी हमारा नारियल तुम्हारा। हाँ हाँ बोलो बोलो। और भाई ये हो गया इसमें सुराख, और भी सारा पानी निकालेंगे इसमें। वाह भाई वाह, क्या टेक्निक है भाई। चलो नारियल पानी तो ले लिया है, कोई थोड़ा शॉपर रह गया, देखो भैया भूल जाता मैं, करेले भूल जाता मैं यहाँ पे। चलो करेले भी ले लिए हैं और नारियल पानी भी ले लिया है, अब घर चलते हैं और सारा सामान घर पे देते हैं। और भाई नमाज पढ़ के मैं फारिग हो चुका हूँ, और अब बस फाइनली इस मजदूर को खाना मिल जाएगा पूरे दिन की मेहनत के बाद। और ये आ गया भाई हमारा खाना, और ये रखते हैं बस। ये क्या बनाया भाई, अभी दाल, और ये क्या कोरमा बनाया क्या? चिकन जलफरेजी। ओ अच्छा, जलफरेजी बनाई है, वाह भाई। तो भाई चिकन जलफरेजी भी आ गई, चावल भी आ गए, और रोटियाँ भी आ गई हैं।
तो भाई खाना देख के इस मजदूर के मुंह में पानी आ चुका, पूरे दिन की मेहनत के बाद जो इतना अच्छा खाना माशाल्लाह नसीब हुआ है। तो बस जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, फिर मैं उनसे बात करता हूँ, उस लोग को एंड करेंगे वहां पे। और खाना खाने के बाद भाई हमारा दिन यहीं पे एंड होता है, और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करो, शेयर करो। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भाई कौन सी दुनिया में रह रहे हो, इसी दुनिया में वापस आ जाओ जहाँ पे मेरा चैनल है भाई हसन जावेद ब्लॉग्स। सो फॉलो करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। सब्सक्राइब के बटन को इतना दबाओ ताकि वो उसका रंग ही उड़ जाए, ग्रे हो जाए बिल्कुल। और लाइक के बटन को इतना दबाओ कि वो नीला हो जाए, ठीक है, नीला कर देना उसको। और मेरी वीडियो को शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि तुम्हें मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब जा ही रहे हो तो मेरी पिछली वीडियोस भी देखते जाओ। तो मिलते हैं फिर तुमसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।